हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एके अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स के ऊपर हम अपना नया वीडियो आपको दे रहे हैं, जो पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में है। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो वीडियो भी हम आपको बनाएं तो आप तक एकदम पहुंच सके। 11th की कोचिंग चल रही है 3rd चैप्टर की, फिजिक्स की। ठीक है, तो ढंग से आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाइए, इसके जैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये ना मोशन अंडर ग्रेविटी है, केवल साइन सिस्टम समझाना है आपको केवल, कि मतलब साइन कैसे चेंज होंगे। जैसे आपने ना ये समझा, इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने प्रूव की थी पिछले वीडियो में, ये करी थी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी थी, v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, जिसे फाइनल वेलोसिटी भी कह देते हैं, या कह देते हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद वेलोसिटी, राइट। s डिस्टेंस थी इसमें, और a था एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीजें थी इसमें। अगर बॉडी जो है ना, ध्यान रखना, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉडी जो है मूव करती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तब तो यहाँ प्लस आएगा सब जगह। और अगर कहीं पे आपको इस टाइप से करके दिया है कि स्पीड घटती जा रही है, बॉडी की स्पीड लगातार घट रही है, रुकने को हो रही है बॉडी, तो याद रखना यहाँ पे माइनस ले सकेंगे आप माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन उस समय माइनस का हो जाएगा, जिसे डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का उल्टा, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस उस पोजीशन में, साफ लिखा होगा स्टॉपिंग होने वाली है ऑब्जेक्ट, तो माइनस लेंगे। ठीक हो गया, अब ये तो ठीक है। चलो बात, ये जो है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब बॉडी सीधी मूव कर रही है और अर्थ के ऊपर है, लैंड जो होती है अर्थ की, लैंड ये इसके ऊपर है और सीधी मूव कर रही है, या ऊपर भी है सीधी मूव कर रही है। ठीक है, तो मतलब लैंड के ऊपर अर्थ पर मतलब सीधी मूव कर रही है, तो ये आपने लगा दिए फॉर्मूले। ठीक है, अब मान लो ऐसी पोजीशन आ गई कि आपने एक स्टोन लिया और स्टोन को ऊपर फेंक दिया सीधा, या किसी मकान की छत पे आप खड़े हुए और वहां से एक स्टोन आपने ड्रॉप कर दिया नीचे को, तो फिर अब की बार मोशन जो है वर्टिकल मोशन होगा, ऊपर को वर्टिकल मोशन होगा, और अंडर ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी समझते ही हैं आप। ठीक है, तो ग्रेविटी के अंदर होगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वर्टिकल मोशन जब चलेगा, हवा के अंदर मोशन चलेगा। ठीक है, उस समय, तो उस समय आप क्या करेंगे, ध्यान रखना जो ए है ना, ए जो है इसकी जगह आप कर दिया करेंगे, ए की जगह क्या कर देंगे, जी। ठीक है, और जो एस है ना, एस इसकी जगह कर देंगे एच। ठीक है, एस की जगह कर देंगे एच, ये चेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर। ये देखो आप, ये एस है, इसकी जगह एच कर दिया देखो हमने, और यहाँ पे इसमें ए है, ए देखो जी कर दिया, और एस की जगह देखो एच कर दिया है, और बाकी जो है ये हो ही गया जी। ठीक हो गया, बाकी वी यू वगैरह सब वही है, और ये हो गया जी। ठीक है, ए की जगह तो जी आ जाएगा, क्योंकि भाई ए जो एक्सेलरेशन होता है वो तो अर्थ की लैंड पर नीचे है, बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, और ये जो जी है ये है हवा में ऊपर। ठीक है, जब हो रहा है कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वाला हवा में, तो उस समय तो ए की जगह जी रख देंगे इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर। ठीक है, और एस की जगह एच रख देंगे, क्योंकि अब हाइट आ जाएगी, डिस्टेंस की जगह ऊपर को हाइट आ जाएगी, तो एच रख देंगे, तो इन्हीं फार्मूले में चेंज करेंगे, एस की जगह एच, ए की जगह जी, तो इन नए फार्मूले बन गए वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे को, ठीक है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे को आ रहा है, देखो ये एरो लगा हुआ है। ठीक है, ये बन गए। इफ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन अगर है ऊपर को, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड मोशन चल रहा है, ठीक है, ऊपर को है, देखो एरो बना है, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जो जी होगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। कब आएगा, जब आपने एक स्टोन नीचे से ऊपर को फेंका, आप कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसको रीड करा,
उसमें दिया है स्टोन इज थ्रोइंग अपवर्ड, ठीक है ना, ऐसे करके दिया, तो आप फॉरन माइनस वाले फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पे, तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन, ठीक है। और जी क्या चीज थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का नाम। तो इसको आपने याद रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली ये जीके के लिए, आपके ज्ञान के लिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, एक आध वीडियो के बाद इसके न्यूमेरिकल्स चलेंगे, थ्योरी फाइनल होने वाली है, बहुत थोड़ी सी थ्योरी बची है, तो ये जो है आपने इस टाइप से करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया है नया, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स की स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, ये देखें आप स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक, क्या होता है, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, कार है कोई मूव कर रही है, तो वो यू वेलोसिटी से मान लो मूव कर रही है, ब्रेक लगाया आपने, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड में जाकर के वो क्या होगी, रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब वो रुकने वाली होती है, ठीक, मतलब वो रुक जाएगी अब इसी क्षण, तो स्टार्टिंग से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है, राइट, ठीक है। देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग विद वेलोसिटी यू, मान लो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, नाउ वी अप्लाई द ब्रेक्स, अब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, जब अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग से पहले तक की इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। Since object is going to stop, अब चूंकि भाई देखो object is going to stop, stop होने जा रही है, so we apply the formula for negative acceleration, इसका मतलब हम negative acceleration का formula लगाएंगे यहाँ पे, minus करके लगाएंगे, इन formula में minus करके, negative acceleration, तो v square is equal to u square minus 2s होता है, उसमें v, here v is equal to 0, क्योंकि stop होने जा रही है, तो final velocity 0 हो जाएगी, तो v की जगह 0 डाल दो, ये देखो डाल दिया, एस निकाल लिया, यही स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई, न्यूमेरिकल आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का, तो आप इससे निकाल सकते हैं, और सीधा आप फार्मूले का यूज करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब वी जीरो हो ही होगा, ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे, छोटा सा वो है ये नोट क्वेश्चन आंसर में, इसे आप प्रिपेयर कर, ठीक है, नया क्वेश्चन बना, ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, किसी का भी आ जाए एग्जाम में, चाहे डिस्टेंस का आ जाए चाहे डिस्प्लेसमेंट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताओ, उसके लिए एक्सप्रेशन दो, मतलब प्रूफ करो, फॉर्मूला प्रूफ करो, कैसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एग्जाम में, nth सेकेंड का मतलब वो दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी जो थी वो इतनी हो गई, कुछ बता देगा जैसे 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, कुछ भी है, तो वो कहेगा जब 6th सेकेंड में, 6th सेकेंड में मतलब 6 सेकेंड तक नहीं, 6 सेकेंड में जो है उतने उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 6 वे सेकेंड में, बात समझ रहे हैं, 6 वे सेकेंड में, यानी 6th सेकेंड में, बहुत एक पॉइंट है बस, ये 6 सेकंड में नहीं, स्टार्टिंग से 6 सेकंड में नहीं निकालनी है आपने डिस्टेंस, 6th वे सेकंड में निकालनी है, यानी 6 वे सेकंड में, बात समझ रहे, 6th सेकंड में डिस्टेंस वो निकालो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको जो है किस फार्मूला से करेंगे, वो फार्मूला ड्राइव क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का भी फंडामेंटल हम आपको वैसे ही बता देते हैं, जैसे ये तो हम फार्मूला प्रूव कर ही रहे हैं क्योंकि आता है एग्जाम में, बट इस प्रॉब्लम को करोगे कैसे, तो इसको ऐसे करा जाता है, इसमें जो है ना 6 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, शुरू से 6 सेकंड, शुरू से लेके 6 सेकंड तक की डिस्टेंस निकाल लो, और शुरू और उससे वन कम का मतलब 5 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, शुरू से लेके 6 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो और 5 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, जब सब्ट्रैक्ट करोगे उन दो डिस्टेंस को, तो वो जो 6 बार सेकंड था उसमें डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब और समझो, जैसे मान लो उसने कहा 8th सेकंड में डिस्टेंस बताओ, 8th सेकंड में,
हिंदी में बोले तो आठवें सेकंड में डिस्टेंस बताओ, एट सेकंड में। तो आप क्या करोगे, एट सेकंड में डिस्टेंस निकलवा रहा है ना, शुरू से एट सेकंड की डिस्टेंस निकाल देना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला लगा के शुरू से 8 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेना, और एक कम ही नहीं 7 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेना, 7 की, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना तो 8वें की आ जाएगी, यानी 8th की आ जाएगी। क्लियर हो गया, स्टेप से करके आप कर सकते हैं प्रॉब्लम को, है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो आप इस प्रूफ को कैसे करेंगे, इसी ढंग से मतलब प्रूफ करेंगे जिस ढंग से हम आपको क्वेश्चन समझा रहे थे। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो आप बात समझो, ये इस टाइप के प्रूफ वगैरह हूँ क्या है। तो इसमें आपने देखा भाई एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करना है, तो इसमें जो चीज आती है ना यू ए टी एस, इन चीजों को यहाँ थोड़ा सा बता दिया जाता है अपने मन से। ये नहीं कि रटना है कि ऐसा होगा बुक में तो ये लिखा है ना, आपने अपने मन से बता देना है प्रूफ के अंदर भी। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, आफ्टर टाइम टी इट्स डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। कहीं देखोगे किसी बुक में, दुनिया की किसी बुक में देख लो उठा के, किसी भी राइटर की मिलेगा नहीं ये लिखा हुआ, अपने मन से लिखा है हमने। ऐसे आप अपने मन से लिख लो कुछ भी, जिसको अंडरस्टैंड करना आ गया कि भाई क्या है ये फार्मूले के अंदर जो यू ए और टी ऐसा आ रहा है, इन्हीं को तो लिखना है, तो इस ढंग से करके लिख लो प्रूफ के अंदर। बात समझ आती है। अब देखो आप डिस्टेंस ट्रबल्ड इन एंड टी, टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रबल होती है मींस एस इसको टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होती है। अच्छा उसको ना सफिक्स में हमने लगा दिया टी, सफिक्स में टी का मतलब एस टी लिख दिया, एस टी का मतलब टी सेकंड में डिस्टेंस, शुरू से टी सेकंड में, ये फार्मूला होता है। इसे एस भी लिख सकते हैं, हमने एस टी लिख दिया। अब डिस्टेंस ट्रबल्ड इन एन सेकेंड, तो जो टी है इसकी जगह क्या भर देंगे अब एन, तो एस एन कह दिया उसे, एस एन, राइट। जो टी है ये टी ये टी ये टी, इनकी जगह एन भर दिया, इसकी जगह देखो एन लिख दिया एन, भाई ये जो है ना कह रहा है इन टाइम टी की जगह इन टाइम एन, आपके बाद एन मान लिया, टी को एन मान लिया, तो जो है टी की जगह एन भर दिया, देखो क्लियर। अब एन माइनस वन सेकेंड में निकाल लिए, देखो डिस्टेंस एन माइनस वन सेकेंड में, तो एन की जगह एन माइनस वन लिख दिया, यहाँ भी एन की जगह एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस इन nth सेकंड, वो बताया था ना आठवें सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो वही nth सेकंड, आठवें सेकंड में, तो क्या करेंगे आठ सेकंड की डिस्टेंस निकालेंगे, सात सेकंड की निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वैसे देखो इसने करा, डिस्टेंस इन n सेकंड निकाला, डिस्टेंस इन n माइनस वन सेकंड निकाला एक कम में, और सबट्रैक्ट कर दिया, यानी एस एन में से एस एन माइनस वन सबट्रैक्ट कर दिया, एस एन ये निकाला था ऊपर देखो, एस एन माइनस वन ये निकाला, दोनों की वैल्यू डाल दी। अब तो क्लास सिक्स की कैलकुलेशन है आगे, देखो क्या इसको ओपन कर दो, यू एन माइनस यू, इसको पहले एन माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दो, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वो लगाया फार्मूला खोल दिया, ठीक है ये खोला इससे। अब इसके बाद ये क्या करा, इसकी देखो हाफ ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी, ठीक है। फिर अब की बार ये वाला ब्रैकेट खोल दिया, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट तो बाहर क्या है माइनस, माइनस का मतलब खतरा डेंजर, ठीक है। अंदर के साइन चेंज होने हैं सारे, जब इसे ओपन करोगे ब्रैकेट को अंदर के साइन चेंज कर दोगे, ये कर दिए देखो, जो कट रहे हैं उन्हें काट लिया, जो रह गए बचे वो लिख दिया। अब इससे ये स्टेप कैसे आया इसे समझना, यू तो ऐसे लिख दिया। अब देखो इन दोनों में से हाफ ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हाफ ए कॉमन ले लिया, अब बोलोगे इसमें तो हमें कहीं हाफ ए दिख ही नहीं रहा, ये तो है ना हाफ ए, देखो हाफ ए जब बाहर कॉमन आएगा तो देखो वन हो गया। क्या होता है कॉमन में डिवाइड करते हैं, क्या कॉमन में डिवाइड की रिएक्शन होती है, डिवाइड कॉमन में, तो ए एन को देखो ए एन को हाफ ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने हाफ हाफ ए कॉमन लिया, ए से ए कट गया और ये जो अपॉन का अपॉन है टू ऊपर चला गया, टू एन हो गया, ये देखो टू एन, क्लियर हो गया। ऐसे भी समझ जाओगे कि अगर हाफ ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हाफ ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, टू से टू कटा ए एन आया, देखो ए एन लगा,
सीधा उल्टा कैसा समझ लो, ठीक है। और हाफ ए को फिर हमने हाफ ए कॉमन लिया ना, हाफ ए को हाफ ए से करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा वन, तो टू एंड माइनस वन ऐसा। तो ये फार्मूला ना यही होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, तो इसलिए हमने हाफ ए कॉमन लिया। आप लोग काय को ले लिया ही छोड़ दें क्या, फार्मूला ही ये होता है स्टैंडर्ड, इस वजह से लेना पड़ा, ठीक। ये हो गया कंप्लीट, इसे करें आप। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, ये थोड़ा सा ज्ञान देना है आपको नॉलेज के लिए खाली, जैसे अब जो है बस थ्योरी बहुत थोड़ी सी है, न्यूमरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए वो रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमरिकल्स आएंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमरिकल्स कैसे, जैसे वो कहेगा एक कार है वो जो है मूव कर रही है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, और एक और दूसरी कार है वो अपोजिटली मूव कर रही है उसके अपोजिटली, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। बोलेगा ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा सा एक आइडिया देना है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक। क्या देखो वी ए बी अगर लिखेंगे, ए बी सफिक्स में लिखा है, सफिक्स में वी ए बी सफिक्स में, तो इसका मतलब है वी ए माइनस बी बी, वी ए बी का मतलब वी ए माइनस बी बी। इसको वी ए बी को ऐसे पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, वी ए बी को कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या वेलोसिटी ऑफ ए जो शुरू में लिखा होगा उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बाद वाले के रेस्पेक्ट बोलोगे विद रेस्पेक्ट टू बी, क्लियर। अगर कहीं पे वी एक्स वाई लिखा है तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखो दो नोट है, नोट फर्स्ट नोट सेकंड। इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट हैं वो मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक दूसरे के पीछे भागी जा रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। देखो ए है इधर को जा रही है, बी है वो भी उधर को ही जा रही है, बी ए बी, ऐसी पोजिशन होगी तो दोनों प्लस के होंगे, बी ए बी प्लस, बी ए बी 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 प्लस, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों प्लस के रहेंगे और दोनों की वैल्यू प्लस में यहाँ रखी जाएगी 6 और इतना, ठीक हो गया। जैसे मान लो ये 6 है ये 8 है, तो आपने रखा 6 माइनस 8, ठीक है, तो वो आ जाएगी वेलोसिटी जो भी आए, बात समझ में आया, बात क्लियर, इसमें रख देंगे प्लस। अब इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक कार सामने से आ रही है इधर से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलग अलग पटरियों पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाती है, सुना है, ऐड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती है, ठीक है। जब आपके आगे से कोई ट्रेन सामने से दूसरी पटरी पे आ रही है, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, तो आपके विंडो के पास जब निकलती है ट्रेन तो बहुत जोर की आवाज में बहुत स्पीड में दिखाई देती है, तो क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये देखो ये इधर को है, ये इधर को, ये इधर को अपोजिट, तो वी ए पॉजिटिव होगा तो वी बी नेगेटिव होगा, ठीक। जब हम इस वी ए को पॉजिटिव यहाँ रख देंगे, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है माइनस, वी बी को फिर हम माइनस में लेंगे तो बीच वाला साइन प्लस हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी स्पीड ऐड हो जाएंगे, क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा फंडा है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी कोई क्वेश्चन नहीं डालना है, खाली ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी डाल के इसको आपको लिख लेना है, ऐसे ही बना के तो याद है, ठीक है। ये आपका आज का कंप्लीट हो गया वीडियो, प्लीज इसे जो है आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।